हरियाणा के अंबाला में विदाई के ऐन मौके पर ससुराल वालों द्वारा दहेज मांगा गया तो हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई जिसमें घायल हुए दुल्हन पक्ष के लोग सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराने पहुंचे हैं। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि विदाई के समय ससुराल वालों ने वरना गाड़ी का टॉप मॉडल और 15 लाख रुपए कैश की डिमांड की थी। शादी साह थाना के अंतर्गत आने वाले RD फॉर्म तेपला में हो रही थी। मेरा नाम रविंदर है, मेरी आज बहन की शादी थी RD फार्म में। तो और शादी में सारी अरेंजमेंट अच्छी चल रही थी, इन्होंने जो जो जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। शादी में मैंने गोल्ड अपनी बहन को सब कुछ दिया। इसका मैं इसके 2 दिन पहले इसके भाई को मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, मैं इसके एयरपोर्ट से लेके आया। उन्होंने मुझे दिखा कि मेरी ना यार ये फीस जानी है 16 लाख रुपये। उसने लेटर दिखाया कॉलेज की फ़ीस जमा होनी है मेरी। अब मैंने चल कोई नहीं हो जाएगी, 16 लाख रुपये फंक्टिंग अमाउंट थी फीस की, उसके अंदर लेटर के अंदर मेंशन हो रखी थी। मैंने कोई नहीं दिखते हैं, कोई नहीं हो जाएगा घर, मुझे नहीं पता था मुझे क्या कहना क्या चाहता है वो। मेरे को काफ़ी लगा चलो फीस हो तो मैंने कोई नहीं कॉलेज की चली जाएगी। मैं उसको घर छोड़ा उसकी मम्मी के पास, फिर मैं अपने भाई के पास अपने घर आ गया। उसके बाद मैंने शादी में जैसा मांगा शादी इन्होंने रोटी मांगी, हमें इतना बंदा लाना है हमारी, हमने इन्होंने कोई पहली कोई इन्होंने कोई फंक्शन नहीं करा, कोई अरेंजमेंट नहीं करी इन्होंने अपनी तरफ से, ना लड़की को कोई गोल्ड डाला ना कुछ भी, कोई सगन में कुछ दिया। इन्होंने कहा हमारे इतने बंदे आने हैं, हमारे पापा की बरादरी की रोटी अच्छी करते हैं। ये एक हमारे पास एक रिटर्न में कंप्लेंट आई थी रात को, नानकी है शिकायतकर्ता, उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करी है जिसमें कल मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब वो खाना खुना खा रहे थे तो उस टाइम इनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें नानकी जी ने आरोप लगाया है कि भाई वो उनसे दहेज मांगा गया, मार पिटाई की गई है और शारीरिक शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए थे जिस पर आरोप लगाया गया था। वो हमने उसकी उनकी कंप्लेंट पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया है, जाँच कर रहे हैं, जिसका जो कसूरवार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। क्या धारा तो 323, 498, 506 और 376 में। फिलहाल किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। हालात तस्दीक DSP साहब के पास फाइल गई हुई, हालात तस्दीक कर लेंगे।